आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार कंचन के नेतृत्व में अवैध हथियार, मादक पदार्थ और गुंडे बदमाशों की धरपकड़ की गई। चुनाव को लेकर इस मामले में सभी राजपत्रित अधिकारियों और पुलिस थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी अनिल सिंह गुर्जर को मुखबिर से सूचना मिली कि मांगरोल मार्ग पर एक संदिग्ध व्यक्ति के पास अवैध हथियार है। इस तरह की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और तुरंत घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं तलाशी लेने पर आरोपी अरबाज खान के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आज विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय के आदि संस्थान गुंडों की व मादक पदार्थ व अवैध हथियार पर कार्रवाई की जा रही थी, जिसके तारतम्य कल मुंबई द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि मांगरू रोड पर ईट भट्टी के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो देसी पिस्टल व राउंड रखे हुए हैं, जिसकी तस्दीक करने हेतु यहाँ से पुलिस रवाना किया गया था, जिसमें जिसके तारतम्य उसको चेक किया गया तो उसके पास से एक देसी पिस्टल व एक राउंड बरामद हुआ है।